ओम श्री विद्याय नमः, हर हर महादेव। तुला राशि वाले सभी जातक, वर्ष 2024 में करियर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है? नया वर्ष शुरू होने वाला है और विविध यानी अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपके मन में होंगे। नौकरी कब लगेगी, कि करियर में उन्नति कब होगी, किस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सक्सेस कब है, और जो कंपटीशन में लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सक्सेस कब है, जो कि व्यापारी हैं, व्यापार के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं उनके लिए वर्ष 2024 में क्या है। तो यहाँ हम आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया आपको देने वाले हैं कि वर्ष 2024 में किस किस प्रकार से नौकरी की और करियर की अपॉर्चुनिटी तुला राशि के जातकों के जीवन में आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो शिवम पंडित, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, नव वर्ष 2024 में मुख्य रूप से चार ग्रह अपना विशेष प्रभाव डालेंगे आपके करियर पर। कौन कौन से हैं वे ग्रह? राहु है, केतु है, शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। अब बहुत ही डीप तरीके से समझते हैं कि क्या करियर के लिए अपॉर्चुनिटी 2024 में आ रही है। कहीं करियर को लेकर के कोई बड़ा कोई व्यवधान तो 2024 में नहीं है, या 2023 में जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी वो 2024 में तो नहीं है? तो और अगर है भी तो उनके लिए बचाव के लिए क्या उपाय करने, सभी तौर से निश्चिंत होकर के आपको जानकारी दी जाएगी। अगर तुला राशि के जातकों के लिए 2024 की बात करें तो शनि की स्थिति आपके पंचम भाव पर है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ये शशनामक राजयोग बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शनि की स्थिति नव वर्ष 2024 में आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगी। अगर शनि की स्थिति अनुकूल होती है तो व्यक्ति करियर के लिए जो प्रयास करता है उसके वे प्रयास लगभग सफल हो जाते हैं, और जो उसकी मेहनत है वो कभी शनि महाराज जाया नहीं करने देते। कुल मिलाकर के जो आप प्रयास इस वर्ष 2024 में करोगे तो शनि महाराज की ऐसी अनुकंपा दिखाई दे रही है कि आपके वे जो प्रयास है वे सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर दूसरे तरीके से बात करते हैं, शनि महाराज की जो दृष्टि है वो दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती, परंतु जिस भाव पे शनि की स्थिति है वो भाव में भी वृद्धि कर देते हैं। अगर तुला राशि के लिए शनि की ओवरऑल बात करें तो आपके लिए योग कारक होते हैं, और इस वर्ष 2024 में ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, शशनामक राजयोग का। तो मेरे हिसाब से इनकी दृष्टि भी और इनका प्रभाव भी हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल रहेगा। शनि की स्थिति अनुकूल होने से जो विद्यार्थी हैं, जो कि उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि किसी भी क्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर करियर के क्षेत्र में कोई अच्छा मुकाम जो है हासिल करना चाहते हैं, और कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करके अपने परिवार का नाम जो है मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं और नाम कीर्ति चारों तरफ फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए शनि बहुत मददगार साबित होंगे वर्ष 2024 में। और अगर शुरुआती दौरान की बात करें, जब वर्ष 2024 प्रारंभ होगा तो शुरुआती दौरान में ही जो लोग नौकरी के लिए हल्का सा भी प्रयास करेंगे उन लोगों की नौकरी लगने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। यानी कि जो बेरोजगार है, जो इस समय अवधि में सबसे ज्यादा परेशान है कि उनकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वर्ष के शुरुआती दौरान में ही दिखाई देने लगेगी, क्योंकि राहु का प्रभाव सप्तम भाव पे था वो वहां से हट चुके हैं। अब वहां पर देवगुरु बृहस्पति हैं सप्तम भाव पर। मई से पहले पहले जो लोग फरवरी या मार्च तक भी कुछ स्किल डेवलप कर लेते हैं उन लोगों की नौकरी लगने के काफी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें व्यापारियों की, तो सप्तम भाव पर बृहस्पति मौजूद हैं और शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। व्यापारियों को मई से पहले पहले काफी अनुकूल परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। मई के बाद में भी व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, जो शशनामक राजयोग आपका बना रहे हैं। जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, और व्यापार के क्षेत्र में हैं, लोहे से संबंधित, मेटल से संबंधित इनका काम है, कच्चे खनिज से संबंधित तेल कोयला या काले रंग की वस्तुओं का काम है, और सबसे मुख्य रूप से जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, जिनका कपड़ों का, जिनका सौंदर्य प्रसाधन का काम है, उन सभी लोगों के लिए इस वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल है कि आपके नए नए कार्य शुरू हो सकते हैं, एक से ज्यादा इनकम स्रोत आपका स्टार्ट हो सकता है इस वर्ष 2024 में। अगर मैं बात करूं गोल्डन पीरियड की, इससे सबसे अच्छा समय आपके लिए कौन सा रह सकता है, तो वर्ष के शुरुआती महीनों में लगभग फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई,
ये 4 महीने आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी व्यापार में नई चीजों को शुरू करना चाहते हैं या फिर नौकरी में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं या नौकरी को प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर बात करें सेविंग्स की तो शनि की दृष्टि भी जो है आपके द्वितीय भाव पर जाएगी। द्वितीय भाव पर शनि की जो है शत्रु राशि वृश्चिक राशि, ऐसी स्थिति में आपको धन कमाने के लिए जो है प्रयत्न तो करना पड़ेगा, धन आपका आएगा जरूर, आपको सेविंग्स करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि जब मंगल की राशि पर होती है तो थोड़ा सा व्यवधान करती है। अब यहां पर बात करें कि व्यापारी अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको आपके पार्टनर की नियत का बहुत आवश्यक रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ी हुई है और वहां पे मंगल की राशि है। तो व्यापारी की आपके जो भी पार्टनर हैं उनके स्वास्थ्य के साथ साथ, मतलब उनकी आपको वैसे भी चिंता करनी है और उनकी नियत, उनकी बरकत, उस पर विशेष आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्टनर से थोड़ा सा धोखा दिलाने का काम कर सकते हैं इस वर्ष में। और बात करें जो लोग विदेश में जाकर के अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या फिर जो विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं ऐसे छात्र, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी 2024 में है, क्योंकि राहु की स्थिति है वह 6ठे घर के अंदर है और उधर केतु महाराज है 12वें घर के अंदर आपके, तो ये विदेशी गतिविधियों को अपने आप बढ़ा देंगे। जो भी बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं या अपना करियर सेट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए विशेष तरक्की इस वर्ष में दिखाई दे रही है। इसी के अलावा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और पिछले वर्ष उनको मेहनत करने के बाद में रिजल्ट नहीं मिला। अब क्या है कि इस वर्ष में राहु की स्थिति आपके 6ठे घर में आ चुकी है और षष्ठम भाव में जब राहु का प्रभाव होता है, ऐसे जो भी बच्चे जो कि कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं और वे इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मेहनत का परिणाम उनको कब मिलेगा, तो षष्ठम भाव पर राहु का जब प्रभाव होता है तो ये व्यक्ति को कंपटीटर, जितने भी आपके कंपटीटर एग्जाम है उनमें आपको ये बेनिफिट दिलवाते हैं। इसी के अलावा जो भी लोग आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे पिछले वर्ष, आपके कार्य को पूरा होने से रोक रहे थे या ऑटोमेटिकली बाधाएं आपके कार्य में आ रही थी आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, इस वर्ष में राहु का प्रभाव इतना गजब है आपके लिए कि आप खुद को इतना दबंग महसूस करेंगे, इतना बली महसूस करेंगे खुद को कि उन परेशानियों को आप झट से आप उनसे निपट लेंगे। अब बात करते हैं मई के बाद की। मई के बाद तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब बृहस्पति जाएंगे तो बृहस्पति यहां पर पराक्रम भंग दोष का थोड़ा निर्माण करते हैं। अब इस स्थिति में क्या करना है, इस स्थिति में आपको जो आकस्मिक एकदम से यात्राएं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्राएं हैं उनसे आपको बचना है। यात्राओं के अलावा भी आपको बचना है जरूरत से ज्यादा धन खर्च करने पर। बृहस्पति की स्थिति जब अष्टम भाव में होती है तो व्यक्तियों को अधिकारी वर्ग के लोगों से अपने संबंधों पर विशेष ध्यान रखना होता है। अगर ऐसे में अधिकारी वर्ग के लोगों से आप तू तू मैं लड़ाई झगड़ों में विवाद में फंसते हैं तो मई के बाद का जो समय रहेगा वो करियर में थोड़ा डाउनफॉल वाला हो सकता है। उस स्थिति से बचने का सीधा सिंपल एक मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं कि आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। बृहस्पति वाल को इस पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति मई के बाद से विशेष रूप से आप बृहस्पति के बीज मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से 108 बार जाप करें। इसी के अलावा आप बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ के पास में घी का दीपक जला सकते हैं और भगवान श्री विष्णु की आराधना कर सकते हैं, शालिग्राम शिला की आराधना कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहां पर बात करते हैं ऐसे लोगों की जो कि करियर में हैं परंतु उनका प्रमोशन का इंतजार है कि प्रमोशन कब मिलेगा। तो प्रमोशन के लिए मैं बता दूं कि राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो 6ठे घर में रह करके आपके करियर के घर में जाएगी। राहु की दृष्टि पड़ने मात्र से आप अपने करियर में, आप अपनी जॉब में जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनको बस अपने किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अपने किसी एक अधिकारी से इतनी अच्छी बॉन्डशिप रखनी है कि आपकी उनके साथ बहुत अच्छी रहे, तो निश्चित तौर पर इस 2024 में योग बन रहा है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, प्रमोशन होने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा इस समय अवधि में हेल्थ इश्यूज होने के कारण से
कभी कभी अपने करियर पर पूरा ध्यान ना दे पाने के कारण से जो प्रॉफिट आप पूरी तरह से ले पाना चाहते हैं 2024 में, कहीं कहीं आपको उसमें थोड़ी समस्या देखने के लिए भी मिल सकती है कि आप अपने हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने के कारण से आप उस अपॉर्चुनिटी को एकदम कैच ना कर पाए और उसको कोई दूसरा व्यक्ति कैच कर ले। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको प्रतिदिन व्यायाम, अपने स्वास्थ्य का ध्यान और देर रात्रि के बाद में सोने से बचना है। और सबसे उत्तम मैं आपको बताऊं कि 5 मुखी रुद्राक्ष को आप यदि गले में धारण करते हैं इस वर्ष 2024 में, या अपना संपूर्ण रुद्राक्ष कवच आप धारण करते हैं, तो यहां पर आपको करियर से संबंधित जो चुनौतियां, जो आपकी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, उनसे आप पूरी तरह से बच जाएंगे। विशेष रूप से आप सभी को महालक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्त का पाठ, शुक्रवार को जल में थोड़ा इत्र मिला करके भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर चढ़ाना है, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्याय।